वेलकम टू इंडिया स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स की जो एक्स वाई ग्रुप की वैकेंसी आई हुई थी, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप की जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, 1/2021 बैच के लिए, ठीक है, जिनका एग्ज़ाम डेट 19 से लेकर 23 मार्च तक था। ठीक है, 19 मार्च से लेकर 23 मार्च 2020 तक था, उसका एग्ज़ाम डेट कैंसिल हो चुका है। ठीक है, पोस्टपोन्डेड हो चुका है, तो उसकी एग्ज़ाम की नई तारीख क्या होने वाली है और सारी डिटेल इसमें हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, किस कारण से उन लोगों का एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन्ड किया गया है उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको डेली जॉब की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। ठीक है, तथा डेली करंट अफेयर की वीडियो भी दी जाती है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहाँ पर देख लेते हैं कि क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ है और क्या डेट दिया गया है। ठीक है, एग्ज़ाम कब से होने वाला है, नई डेट क्या है, किस कारण से एग्ज़ाम आप लोगों का कैंसिल हुआ है। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों उसके बाद आप लोग को आ जाना है अपने ब्राउज़र पर, जो भी ब्राउज़र आप लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है, airmanselection.cdc। ठीक है, ए यहाँ पे हम टाइप करते हैं airmanselection.cdac.in। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ठीक है, यहाँ पर आ गया है airmanselection.cdac.in। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर आप लोग को इस वेबसाइट पर आप लोग को जाना है। तो ठीक है, चलिए हम इस पर चलते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आप लोग आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, एयरमैन का एयरफोर्स का ऑफिशियल वेबसाइट पे, सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे आ जाइएगा। उसके बाद जब यहाँ से आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे पॉपअप विंडो यहाँ पे राइट कर रहा है। ठीक है, ये जो यहाँ पर ये जो जा रहा है, ठीक है, ये जो लिखा कर आ रहा है इस पर आप लोग पढ़िए। ठीक है, चलिए हम पढ़ के बताते हैं आपको कि क्या है इसमें शुरू से लिखा हुआ। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे देख सकते हैं इन व्यू ऑफ, ठीक है, आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस वेरियस गवर्नमेंट एडवाइजर्स एंड सेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद चलिए हम इसको ओपन चालू कर देते हैं। 144, ठीक है, सेक्शन 144 एट मेनी पैलेसेस, ठीक है, स्टार्ट 01/2020 एग्जाम शेड्यूल फ्रॉम, ठीक है, 19 से 23 मार्च। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो बैच है 1/2020 का जो बैच है, ठीक है, उसका और आगे यहाँ पे फिर देखेंगे आप लोग 19 से 23 मार्च तक जो इनका एग्ज़ाम था, ठीक है, वो कैंसिल हो चुका है। आगे यहाँ पे चलिए हम देखेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे देख सकते हैं 19 से 23 मार्च 2020 इज पोस्टपोन्डेड टू द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 2020। ठीक है, तो इसका जो एग्ज़ाम आप लोगों को होने वाला है वो अप्रैल के लास्ट वीक में होगा। ठीक है, अप्रैल का लास्ट वीक में होगा, जो एग्ज़ाम डेट था 19 से 23 मार्च तक, उसका एग्ज़ाम कब होगा, अप्रैल का लास्ट वीक में होगा, वो भी टेंटिवली दिया गया है, संभावित है कि लास्ट वीक में हो। ठीक है, पहले या बाद में भी हो सकता है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। उसके बाद दिया गया है टेंटिवली, ठीक है, उसके बाद दिया गया फॉर द लेटेस्ट अपडेट प्लीज़ रेफर टू आवर वेबसाइट्स। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो 19 से 23 तक जिसका एग्ज़ाम था, ठीक है, एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का, उनका एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन्ड हो चुका है और अप्रैल के लास्ट वीक में होने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जितना कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।